सितंबर 1954, जर्मनी से एक फ्लाइट निकलती है जिसे जाना है ब्राजील। पर टेक ऑफ करने के कुछ देर बाद अटलांटिक ओशन के ऊपर से उड़ते समय यह फ्लाइट रडार से अचानक गायब हो जाती है। और फिर इसके ठीक 35 साल बाद यानी 1989 में यह फ्लाइट रडार पर अचानक दिखने लगती है। इवन ये फ्लाइट ब्राजील में सेफली लैंड भी कर लेता है। पर फ्लाइट के अंदर जाने पर पता चलता है कि सभी पैसेंजर्स मर चुके हैं, इंक्लूडिंग द पायलट। वेल, ये स्टोरी आपने जरूर सुनी होगी, पर किसी यूट्यूबर ने आपको वो नहीं बताया विच आई एम गोना टेल यू। तो चलिए जानते हैं कि एक्चुअल में उस फ्लाइट के साथ क्या हुआ था, वो फ्लाइट 35 सालों से कहां गायब था और इस स्टोरी में कितनी सच्चाई है। सो लेट्स बिगिन। 4 सितंबर 1954, जर्मनी से एक फ्लाइट टेक ऑफ करता है जिसका नाम है सैंटियागो फ्लाइट 513। इस फ्लाइट की डेस्टिनी है पोर्टो एलेग्रे इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ब्राजील। इस फ्लाइट में टोटल 92 पैसेंजर्स हैं, इंक्लूडिंग 4 क्रू मेंबर। इसके पायलट थे मिगवेल विक्टर क्रू। और कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग इस फ्लाइट को ब्राजील पहुंचने में 18 घंटे लगने थे। पर कुछ ही देर में जो होने वाला था वो मिगवेल ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। जर्मनी से टेक ऑफ करने के बाद जब ये फ्लाइट अटलांटिक ओशन के ऊपर उड़ रहा था, तब ये फ्लाइट ATC यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल के रडार से अचानक गायब हो जाता है। ये देख ATC ऑफिसर्स के होश उड़ गए, क्योंकि किसी उड़ते प्लेन का अचानक रडार से गायब हो जाना बिल्कुल भी नॉर्मल बात नहीं था। ATC ने उस फ्लाइट से कांटेक्ट करने की भी कोशिश की, पर फ्लाइट का कुछ पता नहीं चला। और फिर ATC ने जर्मनी और ब्राजील के कुछ हायर ऑफिसर्स के साथ एक मीटिंग रखा, पर उस फ्लाइट का इस तरह गायब हो जाने का जवाब किसी के पास नहीं था। फिर ATC ने अटलांटिक ओशन में एक सर्च टीम को भेजा, और ATC को ये भी डाउट था कि फ्लाइट क्रैश होकर गहरे ओशन में चला गया होगा। पर सर्च टीम को कहीं कोई मलबा या किसी का डेड बॉडी नहीं मिला, और कहीं कोई एविडेंस ना मिलने के कारण 2 साल तक सर्च ऑपरेशन चलने के बाद ये केस क्लोज कर दिया गया और लोगों ने इसे भुला भी दिया। और इस घटना के 2 साल बाद यानी 1956 में वो फ्लाइट कंपनी भी बंद हो गया। सैंटियागो 513 को गायब हुए कई दिन बीत गए, दिन महीनों में बदल गए और महीने सालों में बदल गए। 12 अक्टूबर 1989, ATC को रडार पर एक अननोन फ्लाइट नजर आता है जो ब्राजील में पोर्टो एलेग्रे इंटरनेशनल एयरपोर्ट की ओर बढ़ रहा था। ATC ने फौरन उस फ्लाइट से कांटेक्ट करने की कोशिश की, बट फ्लाइट से कोई जवाब नहीं आया। ATC ने जैसे तैसे रनवे को खाली कराया ताकि वो प्लेन वहां लैंड कर सके, और वो प्लेन सेफली लैंड भी कर गया। ATC के कुछ पुराने ऑफिसर्स उस फ्लाइट को देखकर हैरान हो गए, क्योंकि वो फ्लाइट कंपनी 33 साल पहले ही बंद हो गया था। और प्लेन के पास जाने पर पता चला कि ये वही सैंटियागो फ्लाइट 513 है जो 35 साल पहले गायब हो गया था। काफी देर वेट करने के बाद जब फ्लाइट से नीचे कोई नहीं उतरा, तब ऑफिसर्स ने प्लेन का दरवाजा तोड़कर अंदर जाने का फैसला लिया। फ्लाइट के अंदर के नजारे को देखकर उनके रोंगटे खड़े हो गए, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई जब उन्होंने देखा कि सभी पैसेंजर्स मर चुके हैं, सीट्स पर सिर्फ उनके स्केलेटन ही थे। और जब उन्होंने कॉकपिट का दरवाजा खोलकर देखा तो पायलट भी मर चुके थे, पर उनके स्केलेटन के हाथ अब भी फ्लाइट के कंट्रोल सिस्टम पर थे। मानो उस स्केलेटन ने ही प्लेन को लैंड कराया है। इस एक्सीडेंट को छुपाने की कोशिश काफी लोगों ने की, स्पेशली ब्राजील गवर्नमेंट ने, पर मीडिया से कहां कुछ छुपता है। इस खबर को पहली बार एक न्यूज रिपोर्टर ने पब्लिश किया जिनका नाम था इरविन फिशर। फिर क्या, लोगों के बीच ये न्यूज ऐसे फैला जैसे जंगल में आग फैलता है, और सभी ने अपना अपना राय देना शुरू कर दिया। किसी ने इसे एलियन से रिलेट किया तो किसी ने इसे ह्यूमन एक्सपेरिमेंट से, और एक पैरानॉर्मल रिसर्चर डॉक्टर अटेरो ने इसे टाइम ट्रेवल से जोड़ दिया, पर कोई कुछ साबित नहीं कर पाया। और अब बढ़ते हैं इस स्टोरी की सच्चाई की ओर। वेल, जब मैं इस टॉपिक पर रिसर्च कर रहा था तो मुझे इंटरनेट या कहो यूट्यूब पर 98% वीडियोस ऐसे मिले जिन्होंने इसे या तो एक सच्ची घटना बताई या फिर मिस्टीरियस। बट व्हाट अबाउट द 2%? उस 2% ने मुझे इस टॉपिक पर और ज्यादा रिसर्च करने के लिए फोर्स किया, और फिर मुझे इंटरनेट पर कुछ ऐसे आर्टिकल्स मिले जो यह साफ साफ कहते हैं कि सैंटियागो फ्लाइट 513 की ये स्टोरी सच बिल्कुल नहीं है। मतलब सैंटियागो 513 के नाम से कोई फ्लाइट कभी गायब हुआ ही नहीं था। और उन आर्टिकल्स ने इसे फेक न्यूज कहने के 3 रीजंस बताए। रीजन नंबर 1, द न्यूज कंपनी वॉज फेमस फॉर फ्रिक्शनल स्टोरीज। मतलब इस न्यूज को फर्स्ट टाइम पब्लिश करने वाली कंपनी जिसका नाम था वीकली वर्ल्ड न्यूज, वो कंपनी इस तरह के फ्रिक्शनल स्टोरीज पब्लिश करने के लिए फेमस था। उस न्यूज़पेपर में ऐसे पहले भी कई न्यूज आ चुके थे जो कि फ्रिक्शनल या मनगढ़ंत कहानियां होते थे। रीजन नंबर 2, द स्टोरी सीम्स फैमिलियर। यानी सैंटियागो 513 की ये स्टोरी 1961 के एक फ्रिक्शनल टीवी शो से इंस्पायर्ड लगता है जिसका नाम था द टॉयलेट जोन, और उस एपिसोड का टाइटल था द ओडेसी ऑफ फ्लाइट 33। और इसका ये एपिसोड आपको यूट्यूब पर भी मिल जाएगा, एंड आई एम श्योर उस एपिसोड को देखने के बाद आप यही कहेंगे कि सैंटियागो 513 की स्टोरी का इंस्पिरेशन यही था। रीजन नंबर 3, लेक ऑफ एविडेंस।
देखो, किसी स्टोरी के सिर्फ इंटरेस्टिंग होने से ही सब कुछ नहीं होता, उसे प्रूफ करने के लिए उसके एविडेंस का होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और खासकर तब जब स्टोरी ऐसी हो। और सैंटियागो 513 की इस स्टोरी को प्रूफ करने के लिए उस न्यूज़पेपर के कुछ फोटोज के अलावा कुछ नहीं था। YouTube पर आपको इस एक्सीडेंट से रिलेटेड काफी वीडियोस मिल जाएंगे जो इसे सच कहते हैं, और इसके सच होने के एविडेंस जीरो के बराबर है। वेल, अब आपके लिए इसे सही या गलत न्यूज कहना बहुत इजी हो गया है। और अगर आपको 18 जून को हुए टाइटन इम्पल्सन के बारे में जानना है तो लेफ्ट वाले वीडियो पर टैप करें, और इलोन मस्क के सक्सेस सीक्रेट जानने हैं तो राइट वाला वीडियो। आई विल सी यू देयर।